Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. अर्चना जी शो शुरू हो गया, हेडफोन उतार दो। बच्चा जी आपने तो क्या कमाल की सजावट की है यार। थैंक यू। इस बात पे एक बोली हो जाए। हो जाए। बारी पर सी कटन गया आपकी कटके ले अंदा बाल वो। बारी पर सी कटन गया आपकी कटके ले अंदा बाल। आज मिल के करेंगे। हालो रे हालो। आज मिल के करेंगे। हालो रे हालो। हालो रे हालो। तू अच्छे। मजा मजे। बस 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 बस। ये गिद्धे भांगड़े की दुनिया से तेरा बाहर निकल के देखो, बाहर भी एक दुनिया है डांडिया की, गरबा की। ये धोती कुर्ते से भी कभी बाहर निकल के देखो, बाहर निकले भी आती है। एक ज्ञान की बात बताते हैं तितली, क्या? हमेशा याद रखना, हम मोटों के पास ना ले देके एक इज्जत ही है बस। हम भी आपको एक ज्ञान की बात बताते हैं, आप भी याद रखना। जो आपने ये गरबा नाइट रखी है ना, इसकी एक भी टिकट नहीं बिकी। ये ना डायलॉग बाजी बंद करो और जाके 100 की टिकटें बेचो। हाय। अरे वाह, अरे वाह, गरबा नाइट बहुत मजा आने वाला है। हाँ, आने तो वाला है, लेकिन उससे पहले एक 2000 का नोट वहाँ से यहाँ आने वाला है, फिर यहाँ से एक टिकट जो है वो तुम्हारे पास जाने वाला है, फिर मजा आने वाला है। ओ, और ओ, जरूरत से ज्यादा बड़ी औरत, तुम टिकट लो तो अंदर आओ वरना दिनेश के साथ जलंधर जाओ। तूने सपना को मना किया है, अब मना तुझे सपना करेगी। मतलब मैं तेरे को शराब देती है गोलघर, कि तेरा जो डांडिया नाइट है ना, इसमें भूचाल आ जाए, आग लग जाए, वाट लग जाए तेरी। ये सब तो पता नहीं यार, कैसी बात, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये बेकार का खाली ड्रामा कर रही है, इन चीजों को छोड़ो। यहाँ पर गरबा नाइट होगी और जरूर होगी, और हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। अच्छा। अब दे गाली। अरे यार, मेरे को गाली दे रहा था, मैं उसका सर ही ले आया। ओह गॉड। हेलो फायर ब्रिगेड, 2 गाड़ी पानी की भेजो। 2 गाड़ी नहीं है तो 1 वाटर कूलर भेज दो। आग लगी है मेरे सीने में, यहाँ कोई किसी की कुर्सी पे बैठ के बंगले गाड़ियां बना रहा है, मुझे बहुत ज्यादा आग लग रही है। अब करके दिखा रे तेरा गरबा नाइट। अरे जो आदमी आम नाइट की वाट लगा देता है, सोचो गरबा नाइट का वो क्या करेगा। आपको मालूम है अर्चना जी, अपनी सुहागरात की नाइट पे अपनी बीबी का घूंघट उठा के उस पर भड़क गया। क्यों? कहता तेरी हिम्मत कैसी मेरे बेड पे बैठने की, मैं तेरे पे केस करता हूँ। ऐसे अंकल, अंकल मैं सच्ची बोलूं, आज आपकी एंट्री पे मैं बहुत खुश हो लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तुम तीनों ने मुंह रखने वाली जगह पे कूड़ेदान क्यों लगाए हुए हैं? हम लोगों के कूड़ेदान हम लोग जहाँ मर्जी रखना हम लोग रखेंगे, लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये मोटे का जो गरबा नाइट है ना, इधर होना चाहिए मांगता है, चाहे आज आपको इसका मुंह क्यों ना तोड़ना पड़े, तोड़ डालो। खबरदार, मेरा पति के साथ किसी ने हाथापाई की तो। अरे भाभी, तुम्हारा जैसा पति है इसके साथ हाथापाई नहीं, हाथी पाया होना चाहिए। भाभी मेरी बात सुनो, 11 बच्चे तुम लोगों के हो गए, तुमने जो पति के साथ करना था कर लिया, अब तो वेस्ट है, इज जस्ट वेस्ट। एफडी मैच्योर हो चुकी है, अब इसको बेच के 4 देवर ले लो। ये जो देवर भाभी की चोल मोल होती मेरे को बड़ी अच्छी लगती, लेकिन आई जस्ट हेट योर हस्बैंड, मेरे को वॉमिट होता है। ओह गॉड, यही तो इनकी शख्सियत है, इनका मुंह किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुंह चाहे इनका जैसा मर्जी हो, लेकिन दिल के तो ये और भी ज्यादा खराब है। तुमको शर्म नहीं आ रही है पराए मर्दों के सामने क्या बोल रही हो?
अच्छा पहले इनके साथ शादी करूं फिर इनके साथ बातें करूं। अरे यार तुम्हारे लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सूरज की किरणों से धरती है चमचमाती। सूरज की किरणों से धरती है चमचमाती, कोई अच्छा सा डॉक्टर देख के अपना इलाज क्यों नहीं करवाती। वाह वाह वाह, ये जो तूने गरीब मुंह से अमीर खुसरो बनने की कोशिश की है ना, मैं अगर बादशाह अकबर की बेगम होता ना, मैं तेरे पे गंदे गंदे इल्जाम लगा देता। मैं कह देता इसने मेरा आईब्रो टच किया है। जीजू, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम बिल्कुल ठीक सुन रही हो, तुम्हारा सोनी का सफर यही तक का था। तुम मुंबई नहीं आ सकती, और बल्कि जो तुम यहाँ रहती हो वहां पे भी नहीं जा सकती। तुम यहाँ कोई अच्छी सी जगह देख के जस्ट गो टू हेल। एक्सक्यूज मी, ये हमारा फैमिली मैटर है। ये जैसी तुम्हारी फैमिली है इसका मैटर नहीं, इसका मैट्रेस बनवाओ। हाँ, इसका तुम बनो गोल तकिया, और ये गंदे मुंह वाली औरत, इसका तो पूरा बिस्तर बंद बन सकता है। ओहो जीजू, आपने डांडिया नाइट में डांस के लिए बाहर से सेलिब्रिटी क्यों बुलाया है जब आपके अपने घर में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है? थैंक यू भूरी, अब मैं गरबे की तैयारियां देखूं या सेलिब्रिटी बनके नाचूं? दीदी, मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। ए नल्ली, तेरे से बड़ी सेलिब्रिटी ना तो अर्चना जी के भाग्यश्री है। जगह पर ऐसे आइडिया ना दो। वो पहले अपनी पूरी फैमिली को एडजस्ट करने को फिर रही है। और दिनेश, तुझे एक अंदर की बात बताऊं, परमीत सेठी गिटार सीख रहा है। अरे अंकल, लेकिन इसी शो पे बजाना है ना, तो फिर सीखने की क्या जरूरत है, सिर्फ लेके बैठना ही तो है। जिसको जो सीखना ही सीख ले, हमारे यहाँ होते हुए किसी और की दाल नहीं गली। अरे भैया, वैसे भी कहाँ गला के खाती हैं, अर्चना जी कच्चा खा जाती हैं ये तो। बस बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया भूरी ने। तो हम बहुत कहेंगे तुम बहुत ही सुनोगे, हम बहुत कहेंगे तुम आधा थोड़ी सुनोगे। जा रही हूँ मैं। ये तुमने कही है चैनल के बेनिफिट वाली बात, मैं जा रही हूँ। भूरी जाती है, भूरी गोज। All artists, happy people are celebrating this moment even with Chinese people. चलो, चलो। एक मिनट। सपना, ये क्या किया? भूरी के जाने से आया रुपए में उछाल। उछ लोगे तुम सब एक दिन पॉपकॉर्न की तरह जब ये भूरी बनेगी सेलिब्रिटी। चली गई। अरे वाह यार, ए तितली, एक काम करो यार, ये जो है ना ये डांडिया है, साथ साथ में ये एक हथियार भी है। अच्छा। अब वो लोग जो हमें तंग कर रहे हैं, पहले उन्हें डांटो और फिर भगाओ। अगर बच्चा जी मैं पहले उन्हें भगा दूं और फिर डांटूं चलेगा? वो भागी जाएंगे तो डांटोगी किसे? मैं आपको डांट दूंगी। अरे हमें क्यों डांट दोगी? क्योंकि आप भाग नहीं सकते ना। यार तुम यार हमको मार ही क्यों नहीं देती? अरे यार, आप ही नहीं भगा दो। सीरियस हो जाती हो बात बात को लेके। बस अब यहाँ पे गरबा नाइट होगी और हम भी देखते हैं किस माइक का लाल में हिम्मत है तो हमारी इस गरबा नाइट को खराब कर सके। मैं खराब कर सकता हूँ क्योंकि मैं माइक का लाल नहीं, मैं माइक का पीला हूँ। सारी बेतुकी बातें ना बाद में होती रहेंगी, अभी आपके पास 2,000 रुपया है तो टिकट लो, नहीं तो निकलो। ये कौन है? चलो, टिकट नहीं है तो निकलो, निकलो। इधर हट। अरोरा जी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें सपना के ऊपर से गुजरना होगा। इतली गुजरो। आया मजा। अरोरा अंकल कुछ बोले ना, कुछ समझा नहीं इसको। वेरी गुड, गुड जॉब। चलो बस अब हमारी सेलिब्रिटी का आने का टाइम हो गया है। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? ओह माय गॉड, आवाज आ रही है? हेलो हेलो
ओ मैडम आप ड्रेस की टेंशन क्यों ले रही हैं? ड्रेस तो इतनी बढ़िया है, अगर मैं पहन लूं तो मैं जूलिया रॉबर्ट लगूंगा। हाँ जी हाँ जी, आप टाइम ना वेस्ट कीजिए, आप जल्दी जल्दी आ जाइए। ओके ओके ओके। ओ हेलो, तुम्हारा मुंह टेढ़ा लग गया है, ये देखो टोपी इस तरफ है, मुंह इधर करो, इधर करो। और तू मेरी बात सुन, तू ये मॉडल का 2000 रुपया चार्ज कर रहा था हमसे, और लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ प्लस ईव टीजिंग करने के जुर्म में तुम्हें इसके ऊपर कूदने की सजा दी जाती, कूदो। ओके। ए ना ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ए अनसुंदर प्राणी, एक तो तुमसे दाल बनती नहीं और खानी है तुम्हें बिरयानी। चलो निकलो यार, अपने ढाबे पे जाओ। ओए डायनासोर की दाई। ए डायनासोर की दाई क्या होता है? मेरे कहने का ये मतलब है? मतलब क्या क्या समझाओ जरा, कौन है? कभी मिले हो डायनासोर की दाई? नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। ओए मेरे, मैंने अब सच बता रहे हैं, चैनल ने कहा है कि हर पंच की अब जांच होगी। अच्छा होगी, हर पंच की जांच होगी। अच्छा, क्योंकि है कुछ कलाकार जो कुछ भी बोल के पैसे कमा रहे हैं। हाँ तो कम से कम कुछ बोल के ही पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ सांस लेके पैसे नहीं कमा रहे हैं इधर। आप कहीं इनकी बात तो नहीं कर रहे? खैर छोड़ो, मैं बोल रही कुर्सी छोड़ो। वो कम से कम बोल के पैसा कमाते थे। खबरदार, अगर अर्चना जी के बारे में शब्द भी बोला तो आई लव अर्चना जी। और मैं आपको ये बता दूं कि आज यहाँ मैं चंदू फ्रॉम दा ढाबा नहीं हूँ, चंदू दा मैनेजर हूँ। दा मैनेजर? अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे आपका खुद का स्टाफ है या सिग्नल टू सिग्नल आप खुद ही भाग भाग के भीख मांगते हैं? ओए महिलाओं की शाखा। एक मिनट, ये महिलाओं की शाखा क्या होता है? अच्छा अब हाईवे का टोल नाका। हाँ ये ठीक है, हाईवे का टोल नाका, तेरी पड़ोसी की माँ का साकी नाका। अरे बस करो, इससे पहले इसका इन टुकले पिन टुकले चालू हो जाए, आप यहाँ क्या करने आए हो गंदे देवर जी? जो इधर सेलिब्रिटी आ रही है ना, उसका मैं मैनेजर हूँ। अच्छा। समझी? अन ब्यूटीफुल भाभी। अन ब्यूटीफुल भाभी? अन ब्यूटीफुल भाभी क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बताओ, चंदू के चाचा के चांदनी चौक के चमचे बताओ। चंदू के चाचा का कौन सा चमचा होता है तुम भी बताओ फिर। होता है, 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 होता है। अब तुम सेलिब्रिटी बुलाओ वरना हम पुलिस बुलाएंगे। ठीक है फिर, बत्तियां बुझा दो क्योंकि उसके आने से मशाले खुद ब खुद जल पड़ती हैं। अरे वाह। अच्छा हाय गाइस। हाय हाय, हम शेफाली जरीवाला में आ गई। हाय, चैनल बदल लो भाई, मेरी नीयत बदल रही है। शेफाली जरीवाला, लेट्स गो टू लोनावाला। वहां चिक्की लेने जाना, थोड़ा दूर हट के बात करो। हाँ तो तुम भी दूर हट के बात करो ना यार, आराम से। बाली जी, हम ना सुई लाए हैं, आपको कांटा लगा है ना, बताइए हम निकाल देते हैं। कांटा निकाल के तो देखो, इधर से चांटा निकला ना फिर पता चलेगा कांटा। सोनी साहब, पहले यहाँ से ये दोनों धर्म कांटे निकाल दो। मैंने आपका गाना बचपन से देखा है, बड़ा अच्छा। मैं जवान ही आपके गाने की वजह से हूँ, बस ये समझ लो, ये तो मेरा कैंसिल था। अगर आपने ये बचपन में गाना सुना है तो आप इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? I was born adult. क्योंकि मुझे ये बचपना पसंद नहीं है। I don't like kiddish things. मम्मा मम्मा दादा दो दूबिला पापा, ये सब डायपर, I don't like it. मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई यहाँ से टच करके वो बांधे मेरे को। मैं एज ए हैंडसम पैदा हुआ था, पैदा होते नर्स कहती मुआ, आप भी सीखो उस नर्स से कुछ। ओए, मेरे पापा पुलिस में हैं। इतने पैसे कमाती हूँ, उनको छुड़वा क्यों नहीं लेती? पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, मेहनत करते तो कमिश्नर बन सकते थे, नलायक कहीं के। अरे हाँ जी, वो नलायक थे, ये इधर मुगलों के बैंक में मैनेजर लगे हुए हैं। ये बताओ मेरी मॉडल ने डांस कैसा किया है? आपने जो डांस किया है बहुत कमाल का किया। मैं तो कहता हूँ आप मुंबई आ सकती हैं, बल्कि ओशीवारा हमारी बिल्डिंग में हमारे घर में आ सकती हैं। आपके लिए हमारे सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुली हैं। वैसे मैंने लगवाई भी नहीं है।
हाँ बाकी तो ये है कि, पर ये नहीं कि यहाँ से आके आप बैठ गए तो सिर्फ काटा लगा ना, पोछा लगा, झाड़ू लगा, काम करना पड़ेगा। क्या हाँ नहीं बिल्कुल। और साहब कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत लड़की से आप घर का काम करवाएंगे? मैं मिक्का नहीं हूँ। देखो नहीं सीधी सी बात है, ये नहीं कि सुंदर लड़की देखी प्रमोट कर दो, मेरे लिए काम मतलब काम। अरे आप वही है ना जो मिका के साथ इधर सेलिब्रिटी बन के आई थी? हाँ, मैं वही हूं। आज इसके साथ गेस्ट बन के आई हैं। इतना जल्दी कैसे डिमोशन हो गया आपका? इनके वजह से। मोहतरमा आप ऐसे मुंह के साथ मैडम से डायरेक्ट क्यों बात कर रही हैं? शो सम रिस्पेक्ट, आई एम मैनेजर ऑफ जरीवाला। ये जरीवाला ये दरीवाला? तो इनके मैनेजर की जगह इनका सैनिटाइजर बन के आया होता ना तो इनको ज्यादा सुरक्षा मिलती। मैनेजर ओए सोनी टीवी के बकीरे। इधर बीच में बोला ना तो मैंने बीच में जाकर छोड़ा ना है, तो फिर तेल से लोगों के मसाज करते रहना उधर। शेफाली जरीवाला जी, जी दो साल से ये मुंह देख के मेरे को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मेरी पैनक्रियाज में थोड़ी सूजन आ गई। मेरी आंखों की डिटॉक्स का टाइम हो गया, थोड़ा डांस दिखाओ ना फिर। अरे एक मिनट अंकल, हम तो चाहते थे कि गरबा नाइट नहीं हो, आप तो एकदम बदल गए। अरे मैं उतना भी नहीं बदला जितनी तू बदली है। मैं आपको बताऊं शेफाली, ये आता मर्द है, जाती औरत है। वैसे पाली जी, हाँ। आपको पता है हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा। तो ये जो अपना है प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। वो शिफाली है घरवाली नहीं, कहीं जरीवाला के चक्कर में मैं अपना घरीवाला ना सुझा दूं। हम तो बस उनको जरा सा कंफर्ट फील करा रहे थे। कंफर्ट? आप गद्दा हो या कंफर्ट फील करा रहे हो? घर चलो, मैंने आपके गद्दे पे कांटे ना चुभा दिए तो कहना। चंदू जी मैम, क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आके, चेयर भी नहीं, जो मिले कुर्सी लेके आओ। आई एम सॉरी, आपने आने में देर कर दी, हम कुर्सी बचा नहीं पाए। कोई और बैठ गया है। और ऐसा बैठा है अपने घुटनों में कीले ठोक लिए ऊपर से। कुर्सी छोड़ो, मैं कहता हूँ मंडप में बैठते हैं। साढ़े तीन के दो सेट होते हैं फेरे के, सात फेरे लगेंगे फिर डांडिया नाइट। अरोरा साहब आप नहीं आ सकते डांडिया नाइट पे, आप लोगों को बता दें जिसने 2000 की टिकट ली है ना वो सबसे पीछे बैठेंगे। हाँ जी। 5000 की टिकट वाले आगे बैठेंगे। हाँ जी। और 10000 की टिकट वाले वो VIP हैं, वो एकदम आगे भी बैठेंगे और साथ में डांस भी कर सकते हैं। अच्छा। अरे अंकल आपके पास तो बहुत पैसा है, आप दुबई तक जाओ ना, यहाँ तो सिर्फ कांटे ही लगे हैं। हाँ तो कांटे ही लगे हैं ना, किसी के भांजे तो नहीं लगे। चीटिंग है ये, अब बाहर वाले भी आके मजाक करने लगे। मैं नहीं खेलेगी, मैं नहीं खेलेगी। ए जरी वाला, ये जो तुमने जरी सी कॉमेडी की है ना, ऐसी कॉमेडी ना मैं अपने मसाज में खर्च देती है। तमीज से पैसा, ये सेलिब्रिटी है वो। अब आप टिकट लो या फिर एग्जिट लो। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं जा रही है, लेकिन जब मैं वापस आएगी ना तो ये इधर से जाएगी। अच्छा हाँ, देखती है मैं। लानत है आपके मैनेजर पे, इसकी वजह से ये इतने बड़े मुंह वाली औरत से आपने बातें सुन ली। अगर मैं आपका मैनेजर होता ना तो क्या होता? तो कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ, उतना शाहरुख तुमने देखा नहीं होगा जितना शाहरुख मैंने खराब किया है। ये देखो, दूर, बहुत दूर छोड़ाओ और ले जाओ, इंडियाज़ बेस्ट डांसर में छोड़ाओ। यहाँ रहो, अब यहाँ कांपो कांपो कांपो। चालू रहो। और ना आकर मेरी नाभि में खारिश होने लगी ये देख के, पता नहीं क्या। और मेरी मॉडल से तमीज से बात करो। मैं तेरी मॉडल से टाई लगा के बात करूं? यू आर फायर्ड। आज से मैं राजेश रोड़ा अपने आप को शेफाली का मैनेजर उर्फ प्रेमी घोषित करता हूं। प्रेमी? मैनेजर प्रेम, प्रेमी वाला मैनेजर। हां वो मैनेजर ठीक है, वैसे भी ये कुछ काम का नहीं था। इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आके, ना पानी ना जूस, चाय तक नहीं पूछी इसने। चाय छोड़ो बेबी। बेबी लेट्स हैव कॉफी। क्या है बेबी, क्या लगा के रखा है? बॉस है तुम्हारी, बॉस से ऐसे बात करते हैं? यार सुना नहीं,
उन्होंने मुझे अभी अभी फायर कर दिया है, तो मैंने कहा चल जब निकाल ही दिया तो जाते जाते थोड़ा सा फ्लर्ट ही कर लूं। और ये मत समझना मैडम कि मुझे काम की कमी है, बड़ी बड़ी हीरोइन के मुझे फोन आते हैं, आज से मैं सारे शो उनको दिलाऊंगा, मैं जा रहा हूं मैं। अरे जाओ जाओ। शेफाली जी, हाँ जी। देखिए नेचर कैसी चीज है, ऊपर वाले का कर्म देखो, आज आपने मुझे मैनेजर रखा है, हो सकता है आप आगे चल के मुझे अपना पति रख ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज आपने मुझे मैनेजर रखा है, कल को हो सकता है आप मुझे पति रख ले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये कह रहे हैं कि ये आपके पति बन सकते हैं। अब वो तो मैं समझ गई, मगर हाँ तो फिर बना लो ना, मैंने भी इनको पति बनाया हुआ है। बहन कभी कभी हम जैसी हॉट लड़कियों को लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। ओह एडजस्टेबल औरत, चलो रुको इधर आओ, और तुम चलो डांस का मतलब शिफाली जी अब वक्त आ गया, जरा डांस शुरू कीजिए ना। बंद करो, यहाँ पर अगर डांस होगा तो सिर्फ मेरी मॉडल का होगा। अच्छा, हाँ। तुम्हारी मॉडल कहाँ से आ गई? मैंने कूपन स्क्रैच किया ना, तो अंदर से निकली ऐसे करके। अबे ढूंढ के लाई हूँ उसको मैं। तुम्हारी मॉडल? हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना। ए भूरी आंखों वाली क्यूट बकरी, ज्यादा बकवास की ना, तेरा बिरयानी बना डालेगी मैं। ऐसे कैसे बना देगी तू उनका बिरयानी? हट। मैंने उसको सिक्योरिटी दे रखी है। ये कैसी सिक्योरिटी है? और जैसे एबीसी में होते ना जेड सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी, और तू बता यार हिंदी में कैसे होती है? अरे वो हिंदी में होता ना अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अं आहा, तो आहा वाली सिक्योरिटी, आहा सिक्योरिटी है ये, ऐसे देते हैं। हां लेकिन ये सारी बातें होती रहेंगी बाद में यार, ग्लैमर मतलब शिफाली, मतलब शिफाली जी वक्त आ गया है थोड़ा डांस पेश कर दे। नहीं डांस मेरी मॉडल करेगी। तो दोस्तों दिल्ली और गुजरात में धूम मचाने के बाद आज पहली बार आ रही है मुंबई में, थोड़ी सी है अधूरी, प्लीज वेलकम भूरी। वाह, ओए जिसको कोई डेढ़ घंटे के एपिसोड में दो लाइनें नहीं देता, उसके आने से पहले तूने उसकी तारीफ में 10 लाइनें बोल दी। अगर ये मॉडल है तो myself John Abraham. Guys, please जल्दी करो, I'm getting late. ओहो, सारा दिन दीदी खाने में क्या बना है पूछने वाली लड़के, आज ऐसा दूसरा कौन सा बड़ा काम आ गया तुम्हारे पास? I am getting late. खबरदार, मेरी बोली वाली बहन को कुछ कहा तो, वो तो इतनी बोली है कि पानी भी मुंह से पीती है। अरे भाभी सब लोग पानी मुंह से ही पीते हैं। मैं ऐसे ही इतने सालों से ग्लास में पी रही थी। मैं भी कल से पानी मुंह से पीऊंगी, लेकिन किसके मुंह से पीऊं? ओए बच्चा यादव, हाँ इधर, इससे पहले जो लोगों को काटना शुरू कर दे इसको ओके कर दे, और तू बदसूरती के फैमिली पैक ये उठा अपना छोटा रिचार्ज और निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी मेरी बहन। पूरी आज रात तेरा ही डांस होगा, तेरी दीदी तेरे साथ है मेरी भूरो। दीदी चलो भाई, ये बड़ा अच्छा हुआ सारे नॉन ग्लैमरस लोग एक साथ हो गए। अब क्या है ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, उनको पता है कहाँ देखना है कहाँ देखना ही नहीं, नहीं, है। नहीं है। तुम्हारा ये मैनेजर तुम्हें स्टार बना के रहेगा। रुक जाओ, अगर तुम इनकी तरफ हो तो मैं भूरी की तरफ हूँ। भूरी आज से मैं तुम्हारा मैनेजर, देखो मैं तुम्हें कैसे रातों रात हिट करूंगा, हर पेपर पर हर चैनल पर सिर्फ तुम ही तुम नजर आओगी। खुद तो तुम 10 साल से एक ही चैनल में अटके हुए हो। एक मिनट यार, तुम दोनों कहां दूसरे अलग अलग चैनलों की बात कर रहे हो? इतना मुश्किल से तुम दोनों को एक अच्छा चैनल मिला है, उस पर ही ढंग से आ जाओ। उसमें सारे तो तुम आ जाते हो फिर। कम ऑन जीजू, मैं ढंग से आती हूँ, और वैसे भी मैं ही तो एक लौती मॉडल हूँ इस शो में। ये लो जी, इतने ही अगर ढंग से आती तो इनको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे बुलाना ना मेहमानों को पड़ता है, अपनों को नहीं। और मेहमान कब अपने बन जाए ये भी पता नहीं चलता। अपने कब मेहमान बन जाए ये भी पता नहीं चलता। विश्वास नहीं हो तो सिद्धू जी को पूछ लो। बेबी
तुमने अभी तक मेरा जलवा देखा ही कहाँ है? एक ही एपिसोड में सारे मेरे दीवाने हो जाएंगे। बहन तीन चार कांटे और लगा लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। ग्लैमर तो मैं भी दिखा दूं, लेकिन मैं तो जान बूझ कर नहीं दिखाती, ताकि कल को लोग ये ना बोले कि ग्लैमर के दम पे काम मिला है। ये जो तुम दोनों ने गुफ्तगू की, ये कौन से चैनल पे आएगी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.